हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जेस फॉलो चुन क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पैर में मोच आने के कारण खड़े होने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, जिस कारण से बैठ कर की वीडियो शूट कर रहा हूँ। अन्यथा मैं कभी बैठ के वीडियो शूट नहीं करता हूँ, बोर्ड पर ही वीडियो बनाता हूँ। तो इसी वजह से बैठ कर की वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका KVS का विस्तृत नोटिफिकेशन आ चुका है। दो दिन पहले आ गया था, लेकिन चूंकि चोट लग गई थी इसलिए पैर पर लोड ना देते हुए ज़्यादा खड़ा नहीं हो रहा था, तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, देखिए, जो चीज़ आप कमेंट करके पूछ रहे थे, काफ़ी कुछ आपके मन में असमंजस थे, सवाल थे, तो उन सारे सवालों को लेकर के आज का यह वीडियो बनाया गया है कि इसमें क्या योग्यता होगी, क्या परीक्षा का पैटर्न होगा, क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, क्या नहीं रखनी है, सारी चीज़ों को क्लियर करने का इस वीडियो में बहुत ही संक्षेप में प्रयास किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात हो जाए कि यह वैकेंसी जो KVS का आया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो वैकेंसी है, तो ये बहुत से पोस्टों के लिए वैकेंसी है। तो इसमें सबसे पहले कि इसका आवेदन की तिथि कब से है, तो आप देखिए, आवेदन की तिथि जो है, आवेदन करने का जो डेट है वो आज से ही प्रारंभ हो गया है 10 बजे से, और इसका लास्ट डेट जो है वो 26/12/2022 है। यानी 26/12/2022 को 11:59 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपको उतना देर नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके यथासंभव आप प्रयास कीजिए कि फॉर्म को फिलअप कर दें। दूसरी चीज है कि आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा ना कि बहुत से इसमें पोस्ट हैं, तो जो एक श्रेणी के, एक ग्रेड के पोस्ट हैं, उसके लिए 2300 रुपये आवेदन शुल्क है, जिसमें आपका असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, आपका प्रिंसिपल का पद है, वाइस प्रिंसिपल का पद है, तो उसके लिए 2300 है। बाकी जो हम लोग के काम की चीज़ है, जिसको आप भरने वाले हैं, मतलब एक टीचर के लिए PRT का हुआ या TGT या PGT का हुआ, तो इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 1500 रुपये रखा गया है, और जो 1200 रुपये आवेदन शुल्क उनके लिए रखा गया है जिसका योग्यता जो है 12वीं पास के कुछ पद हैं, जैसे स्टेनोग्राफर का जो पद है, इस सब टाइप के पद हैं, वो 1200 रुपये हैं। यानी तीन कैटेगरी में फीस है, 2300 रुपये, 1500 रुपये और 1200 रुपये। तो आप, हम लोग जो है PRT, TGT, PGT की बात कर रहे हैं, तो उसका शुल्क जो है 1500 रुपये है OBC और जनरल और EWS वालों के लिए। SC ST या जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, या फिर जो भूतपूर्व सेना के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए शुल्क जो है वो 0 है, यानी कि उनको कोई शुल्क नहीं दे रहा है, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 1500 रुपये का शुल्क जो है वो OBC, जनरल और EWS के लिए है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि PRT के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए फॉर्म अप्लाई करने की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, PRT के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है उसमें है कि 50% मार्क्स के साथ 2 वर्षीय DLED का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका, या 50% मार्क के साथ 4 वर्ष का BLED का कोर्स यदि आप कंप्लीट किए हैं तब भी भर सकते हैं, या 50% मार्क के साथ आपने BEd कंप्लीट किया हुआ है तब भी कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन से आप 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण किए हैं तब भी आप भर सकते हैं। यानी 50% मार्क्स होना चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन से हो, चाहे आप BEd किए हों, चाहे आप DLED हो, चाहे आप BLED हो, इनमें से 4 में से कोई भी एक योग्यता हो और प्लस 50% मार्क साथ आप उस परीक्षा को कंप्लीट किए हों, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके साथ एक चीज और है कि आपका CTET जो है, फर्स्ट पेपर का जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ ये ध्यान दे दीजिए कि अपेयरिंग कैंडिडेट को CTET वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी CTET जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, PRT वालों के लिए योग्यता क्या है, 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, चाहे आपने DLED किया हो, BLED किया हो, BEd किया हो, या फिर डिप्लोमा आप आई एजुकेशन हो आपका, और प्लस जो है आपका CTET जो है वो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात करते हैं TGT के लिए। TGT का फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स, 50% मार्क्स के साथ स्नातक और BEd कंप्लीट होना चाहिए, प्लस CTET सेकेंड पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी यहां भी आप CTET को अपेयरिंग कैंडिडेट को नहीं माना गया है, CTET आपका सेकेंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस 50% अंकों के साथ स्नातक और BEd कंप्लीट होना चाहिए। PGT का फॉर्म भरना चाहते हैं यदि आप, तो PGT 50% के साथ आपका MA कंप्लीट होना चाहिए,
प्लस बीएड होना चाहिए आप, यहां पर सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है, यानी आपका एमए कंप्लीट है, अब 50% से ज्यादा के मार्क्स आपके आए हुए हैं और प्लस आप बीएड हैं तो आप पीजीटी के फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। अब यहां फ्रेंड्स एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए कि सीटेट जो क्वालिफाई मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्कशीट आपकी जो है आपके हाथ में होनी चाहिए। यदि आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या महिला हैं या पुरुष हैं तो आपका अंक 90 होना चाहिए, और यदि अन्य कैटेगरी के हैं तो आपका अंक जो है 82 होना चाहिए, और 26 दिसंबर से पहले पहले मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आखिर उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने उम्र तक के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए तीनों का जो है उम्र कैटेगरी अलग अलग है। पीआरटी में यदि आप दे रहे हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। यदि पीजीटी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। यदि आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी अधिकतम उम्र जो है 40 साल होनी चाहिए। लेकिन यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, यानी छूट मिल सकती है आपको। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एज में छूट मिलेगी, और यदि आप महिला कैटेगरी के हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, और वो आप किसी भी कैटेगरी में हो, महिला ओबीसी हो, जनरल हो या फिर एससी एसटी हो, कोई भी कैटेगरी में हो महिला यदि आप हैं तो आपको 10 साल छूट मिल सकती है। यानी कि यदि आप एससी हैं तो सामान्य लोगों के लिए 30 साल है पीआरटी के लिए, लेकिन यदि आप एससी हैं तो आप 35 साल की उम्र तक उस फार्म को भर सकते हैं, ओबीसी है तो उसी फार्म को 33 साल तक भर सकते हैं, और यदि आप महिला हैं तो उसी फार्म को पीआरटी के 40 साल तक भर सकते हैं। तो यानी एससी एसटी को 5 साल का छूट है, ओबीसी को 3 साल का है, और महिला अभ्यर्थी हैं तो उनको 10 साल का है किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो पीआरटी में भरे, टीजीटी में भरे या पीजीटी में भरे। अब देखिए फ्रेंड, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए परीक्षा तो पहले ही बता दिया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया था वैकेंसी कितनी आई थी, इसको विषय में पीछे चर्चा हो चुकी थी, तो हालांकि हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जो चीज नई आई है वो हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आपको बताया गया था कि परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होगी, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। परीक्षा कुल 180 अंकों की होगी, यानी कुल 180 प्रश्न आएंगे, और आपका समय जो होगा वो 3 घंटे का होगा, यानी 180 प्रश्न और 180 मिनट। पीआरटी का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, उसमें जनरल इंग्लिश से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल हिंदी से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जीके प्लस करंट अफेयर से 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से 5 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग से 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और 60 नंबर जो है पैडोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर हो गए, 60 नंबर ये और 40 नंबर ऊपर के, कुल 100 नंबर हो गए, और बचे 80 नंबर। वो 80 नंबर जो है वो सब्जेक्ट से होंगे फ्रेंड्स, जिसमें आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, और प्लस इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 10 नंबर का आपका जो है जनरल इंग्लिश रहेगा, 10 नंबर का जनरल हिंदी रहेगा, करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे, 5 नंबर का कंप्यूटर रहेगा, 5 नंबर का जो है आपका रीजनिंग रहेंगे, 60 नंबर का आपका पैडोलॉजी रहेगा, और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट्स रहेगा, जिसमें मैथ रहेगा, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी इसमें भी रहेंगे। तो ये पीआरटी का सिलेबस है, कुल मिलाकर के 180 क्वेश्चन, 180 अंक, समय 3 घंटा। टीजीटी और पीजीटी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी 180 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, यानी 180 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी समय 3 घंटा रहेगा। टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए जो 40 अंक शुरुआत के हैं वो तो कॉमन रहेंगे, जैसा कि जो पीआरटी मैंने 40 अंक बताया आपको, यानी कि जनरल इंग्लिश 10 नंबर, जनरल हिंदी 10 नंबर, जीके और करंट अफेयर्स 10 नंबर, 5 नंबर का आपका कंप्यूटर, 5 नंबर का रीजनिंग, ये 40 नंबर के जो क्वेश्चन हैं ये तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब में कामर रहेंगे। पीआरटी में जहां 60 नंबर की पैडोलॉजी थी, यहां पर जो है टीजीटी और पीजीटी में पैडोलॉजी जो है वो 40 नंबर की हो जाएगी, यानी 40 नंबर ये ऊपर के हो गए और 40 नंबर पैडोलॉजी, यानी 80 नंबर हो गए, और प्लस बचे 100 नंबर, 100 नंबर वो उनके सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे आपने हिंदी से अगर टीजीटी डाला है तो हिंदी से 100 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, सोशल स्टडीज डाला है सोशल स्टडीज से 100 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से डाला है तो इंग्लिश से रहेंगे, इसी तरह से पीजीटी आपने ज्योग्राफी से डाला है तो ज्योग्राफी के रहेंगे, मैथ से डाला है तो मैथ के 100 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला जुला करके 180 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें से इंटरव्यू को भी दो पार्ट में बांटा गया है, 30 नंबर का जो इंटरव्यू होगा
वो डेमो क्लास लिया जाएगा कि आपको बोर्ड पर भेज दिया जाएगा पढ़ाने के लिए कि आप किस तरह से पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं, तो आपकी पढ़ाई के देखेंगे किस तरह से आप पढ़ाते हैं, आपकी स्किल क्या है, इसको देखने का प्रयास किया जाएगा और 30 नंबर इंटरव्यू से लिया जाएगा। तो यानी 30 नंबर जो है डेमो क्लास का रहेगा, 30 नंबर इंटरव्यू का, यानी कुल 60 नंबर का इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा। अब 180 में आप जितना नंबर पाएंगे उसका 70% एक तरफ निकाल लिया जाएगा और इंटरव्यू के 60 नंबर में से जितने नंबर पाएंगे उसका 30% निकाल लिया जाएगा, यानी कि आपका रिटेन का 70% इंटरव्यू का 30% दोनों मिलाकर के जितने नंबर बनेंगे उसी हिसाब से आपकी मेरिट निर्धारित होगी। पीआरटी के लिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी की जो कक्षा 8 तक की किताबें हैं या 10 तक की किताबें हैं वो आप पढ़ लेंगे तो वो पर्याप्त रहेगा। हाई स्कूल तक के लेवल का तो पूछेगा ही नहीं, मान लीजिए कक्षा 8 तक के लेवल आपका हमारे ख्याल से इनफ रहेगा। और जो टीजीटी के लिए है वो कक्षा 12 तक के लेवल तक के यदि आपने बुक्स पढ़ ली हैं एनसीईआरटी की तो वो पर्याप्त रहेगा। और पीजीटी के लिए जो है स्नातक लेवल तक के जो पाठ्यक्रम है उसी से क्वेश्चन उठाएगा। यहाँ फ्रेंड्स जो टीजीटी सोशल साइंस से भर रहे हैं उनको जरा ध्यान देने की जरूरत यह है कि आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें लिखा है कि जो टीजीटी जो है सोशल स्टडीज से भर रहे हैं उनका जो है स्नातक में 4 सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए और प्लस जो 2 सब्जेक्ट हो रहा है उसमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक विषय होना ही चाहिए और दूसरा विषय आप चाहे जोड़ हो। तो इससे अगर आपका योग्यता है तभी आप फॉर्म भरिएगा, अन्यथा आप नहीं भरिएगा। विस्तृत नोटिफिकेशन जो है केबीएस की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे वहां मिल जाएगा, आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आप समझ लीजिए जो आपके लिए जानने लायक है। इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है। देखिए एक पोस्ट के लिए केवल एक ही एप्लीकेशन स्वीकार है। यदि आपने एक ही पोस्ट के लिए 2 एप्लीकेशन भर दिए हैं तो आपके दोनों फॉर्म जो है रिजेक्ट माने जाएंगे। सीटेट क्वालिफाई होना एकदम मस्ट है। बिना सीटेट क्वालिफाई के आप ये फॉर्म को नहीं डाल सकते, ना तो पीआरटी का डाल सकते हैं और ना तो टीजीटी का डाल सकते हैं। बीएड वाले पीआरटी डाल सकते हैं, बड़ा कंफ्यूजन था कि बीएड वाले पीआरटी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो प्राइमरी वाले प्राइमरी के शिक्षक बनने के लिए आप यदि बीएड हैं तब भी आप डाल सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके अधीन ही यह परीक्षा होगी। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसी के अधीन काम किया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद फ्रेंड्स आपको नौकरी के लिए पूरे भारत में कहीं भेजा सकता है, इसके लिए आप प्रिपेयर मेंटली रहिएगा। यदि आप नहीं चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को ना भरिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। सबसे कॉमन सवाल जो पूछा जाता है कि एग्जाम कब तक होगा, तो अभी तक का जो इतिहास रहा है फ्रेंड्स केवीएस का वो एग्जाम 3 महीने में लगभग ले लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 3 से 6 महीने के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। अभी कोई परीक्षा की ऑफिशियल डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन जब भी होगा आप ये मान के चलिए मैक्सिमम आपके पास 6 महीना यानी 3 से 6 महीना भी नहीं जाएगा, आपका एग्जाम इसका हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स फॉर्म भरने से पहले आप कुछ चीज़ें और भी कर लीजिएगा जो कि बहुत आवश्यक है आपको करना, कि जैसे यदि आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं ओबीसी एससी एसटी का, तो आप जो है जो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो जिला अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए पहली चीज, और कोशिश कीजिए कि 26 के पहले पहले आप उसको इशू करवा लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, जो भी हो, तो वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएंगी। इसलिए कहीं आप साइबर कैफे पर फॉर्म भरवाने फिलअप कराने चले गए, उसने अपना ईमेल आईडी डाल दिया तो सारी सूचनाएं तो वहीं आएंगी और आपको पता ही नहीं चल पाएगा। आपका परीक्षा देके आए आंसर के से संबंधित कोई सूचना हुआ है आंसर के आपका जो है वो सब ईमेल आईडी भेज दी जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए जब भी अगर साइबर कैफे से भी आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो अपना ही ईमेल आईडी डालिएगा और वो ईमेल आईडी डालिएगा जो चल रहा हो, जिसका पासवर्ड आपको पता हो। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपके पास सबके पास ही है, आपका फोटो स्कैन करेगा, आपका सिग्नेचर स्कैन करके लिया जाएगा, आपका थंब जो है स्कैन करके उसको लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल ही होंगी, मोबाइल नंबर सभी के पास होगा, फोटो वगैरह नहीं हो तो खिंचवा के रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी केबीएस वैकेंसी 2022 की जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी मोटी मोटी बातें जो कि संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी अगर कोई इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ बताने का अपनी तरफ से प्रयास किया गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ, धन्यवाद।